मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कुछ लोग 2000 के नोट की कालाबाजारी कर रहे हैं, जांच करवाएंगे, लोग डिजिटल पेमेंट करें, ये भी वो अपील आम लोगों से कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं 2000 के नोटों की कालाबाजारी हो रही है, और दूसरी बात मलैया साहब जो वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट करें लोग। मध्य प्रदेश में नकदी का संकट गहराया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कहना है कि इस मामले में षड्यंत्र है, 2000 के नोट कुछ लोग छुपा के रख रहे हैं, नोटों की कालाबाजारी हो रही है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया जी। मलैया साहब, क्या लग रहा है, ये सब जो हर जगह ATM में कैश क्रंच हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को मंच से बोलना पड़ रहा है, आपकी नज़र में क्या हालात हैं ये? देखिए, बात तो सही है कि करेंसी की कमी है, ये अकेले प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में कमी है, और जो ATM में राशि उपलब्ध नहीं है तो वो ये पूरे देश की बात है। इसके बारे में भारत सरकार भी चिंतित है। कल एक बैठक जरूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार प्रदेश के अलग अलग राज्यों के अधिकारियों से करना चाह रही थी 12 बजे, परंतु किसी कारण से वह स्थगित हो गई है। अभी होगी, हम लोग भी लगातार रिजर्व बैंक के और भारत सरकार के संपर्क में हैं, और हमने उनसे अधिक राशि की मांग की है, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सबसे अधिक खरीदा जाता है राज्य शासन के माध्यम से, इसलिए हमें करेंसी की और अधिक उपलब्धता चाहिए। 2000 के नोटों के बारे में जो बात चल रही कि मार्केट में एकदम नहीं आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कुछ कालाबाजारी हो रही है, कुछ लोग दबा के रख रहे हैं मुख्यमंत्री? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लोग अपने पास भी रख रहे हैं, सेफ कीपिंग के लिए भी रख रहे हैं, कुछ अदरवाइज भी रख रहे हैं, और कुछ हो सकता हो, कोई मिसचीफ भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक पूरी तरह से बात ना आ जाए सामने, कहना कुछ ठीक नहीं है। किसानों में असंतोष है कि उनको ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो कल ही किसानों के बीच में था, किसानों के लिए कल हम लोगों ने लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में डाली है, कहीं कोई इस प्रकार का संतोष नहीं। वो ये कि खाते में पैसे गए हुए हैं मगर उनको मिल नहीं पा रहे हैं, जितना वो निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैंने किसानों को भी ये सजेस्ट किया है कि छोटी मोटी राशि तो निकाल लें, परंतु बड़ी राशि का पेमेंट वो चेक से ही करें तो अच्छा है। क्या लग रहा है आपको, ये क्राइसिस कितने दिनों में आप लोग खत्म कर लेंगे? मैं कह नहीं सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है, भारत सरकार के हाथ में है। क्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने यही निवेदन किया कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिजिटाइज व्यवस्था के ऊपर ध्यान दें और उसके माध्यम से पेमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, ये थे वित्त मंत्री जी, इनका कहना है कि क्राइसिस है, कितने दिन चलेगी ये उनको नहीं मालूम, इसलिए लोगों को सलाह है कि पैसा कम निकालें और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिजिटल पेमेंट करें, उससे लोगों को सहूलियत होगी। ब्रजेश राजपूत, ABP न्यूज़, भोपाल। जो कहना था सो कह दिया, जो सुनना था सो सुन लिया। अगर अब भी इंतजार है असल खबरों का तो फिर मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे ABP न्यूज पर। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।